तो टीवी पर गोपी बहू बनकर दर्शकों को एंटरटेन करने वाली देवोलीना भट्टाचार्य जी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। पिछले साल देवोलीना अपनी शादी को लेकर चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने गुपचुप तरीके से अपने बॉयफ्रेंड शाहनवाज शेख से शादी कर ली थी, और अब देवोलीना ने देश के प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। तो आखिर एक्ट्रेस के साथ ऐसा क्या हो गया है जो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी से मदद मांगनी पड़ी है, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसी लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो देवोलीना के एक दोस्त की अमेरिका में हत्या कर दी गई है और उनके शव को लाने के लिए उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि इंडियन एम्बेसी इस मामले पर ध्यान दे। देवोलीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसके जरिए उन्होंने पीएम मोदी और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से ये मदद मांगी है। एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग भी किया है। देवोलीना ने लिखा है, मेरा दोस्त अमरनाथ घोष की मंगलवार की शाम अमेरिका के सेंट लुइस एकेडमी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका परिवार नहीं था, वो अकेला था। 3 साल पहले उसकी माँ की मौत हो गई, बचपन में ही पिता की मौत हो गई। वैसे अभी आरोपियों का खुलासा नहीं हुआ है। उनके परिवार में उनके कुछ दोस्तों के अलावा कोई नहीं है, वो कोलकाता से थे। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, वो एक बेहतरीन डांसर था, PhD कर रहा था। वो शाम को टहलने के लिए निकला था तभी अचानक एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी। अमेरिका में कुछ दोस्त शव लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। इंडियन एम्बेसी कृपया इस पर गौर करें। बता दें, देवोलीना भट्टाचार्य जी टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने स्टार प्लस के शो साथ निभाना साथिया के जरिए घर घर में पहचान बनाई थी। इस शो में एक्ट्रेस ने गोपी बहू का किरदार निभाया था जो कि शो में भगवान कृष्ण की भक्त थी। जब भी शो में गोपी यानी देवोलीना या उनके परिवार पर कोई मुसीबत आती थी तो एक्ट्रेस शो में कान्हा जी से मदद की गुहार लगाती थी। उन्हें शो में कान्हा जी के लिए डिवोटेड दिखाया गया था। टीवी पर एक सनातनी बहू बनकर देवोलीना भट्टाचार्य जी ने पब्लिक का दिल जीत लिया था। एक्ट्रेस के इस शो ने सालों तक टीवी पर राज किया था। लोग आज भी शो के पुराने एपिसोड्स को देखते हैं। हालांकि इस एक्ट्रेस ने इस शो के अलावा रियलिटी शोज में भी हाथ आजमाया है। एक्ट्रेस सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 13 का हिस्सा भी रह चुकी हैं। हालांकि वो शो में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई थी। शो में उनकी जहाँ सिद्धार्थ शुक्ला से काफी लड़ाई होती थी, वहीं रश्मि देसाई के साथ उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। खैर, फिलहाल तो एक्ट्रेस ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। अब देवोलीना की गुहार पर पीएम मोदी कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो पीएम मोदी से इस सनातनी बहू ने जो गुहार लगाई है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 80 के दौर में दूरदर्शन के मशहूर सीरियल उड़ान को भूले नहीं होंगे आप, न भूले होंगे धारावाहिक की IPS कल्याणी सिंह को यानी कविता चौधरी। मगर दोस्तों, कविता चौधरी अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी मौत 15 फरवरी की रात को हो गई है। खासकर उनकी मौत की जो वजह पता चली है तो वो बेहद दर्दनाक निकली है। तो क्या है कविता चौधरी के कल्याणी बनने के सफर से लेकर उनकी मौत की वजह, आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी कमेंट में कविता चौधरी को श्रद्धांजलि जरूर दें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल की आवाज बने, सब्सक्राइब करें। तो कविता चौधरी 1957 को पैदा हुई थी। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था कंचन चौधरी। बड़ी बहन को पुलिस सेवा पसंद आई तो छोटी को अभिनय की दुनिया। कंचन पढ़ाई के बाद सिविल सेवा पास कर IPS बन गई। वहीं कविता चौधरी NSTS से एक्टिंग सीखकर एक्टिंग की दुनिया में छाने के लिए तैयार हो गई। बदलाव का दौर था। कविता अपनी IPS बहन से प्रेरित होकर एक सीरियल बनाने की सोचने लगी। 80 का दौर खत्म हो रहा था, दूरदर्शन का जमाना था। कविता का 1989 में धारावाहिक आया उड़ान, एक महिला के IPS कल्याणी सिंह बनने की कहानी और पुलिस सेवा का संघर्ष। इस सीरियल ने ऐसा जादू कर दिया कि कल्याणी सिंह के रूप में कविता चौधरी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की फेवरेट बन गई। उस दौर में उनसे ज्यादा मशहूर टीवी अभिनेत्री दूसरी न थी। कल्याणी सिंह के रोल में लड़कियों को IPS बनने के लिए जितनी प्रेरणा उनसे मिली उतनी तो शायद किरण बेदी तक से न मिल पाई होगी। वो इतनी मशहूर हो गई कि सर्फ जैसी कंपनी ने निर्मा को टक्कर देने के लिए उनको चुन लिया। जी हाँ, उन दिनों निर्मा वॉशिंग पाउडर की धूम थी। सर्फ को बाजार में टिके रहने के लिए ऐसा चेहरा चाहिए था जो आम औरत से जुड़ जाए। कंपनी ने कविता को चुना। ललिता जी बनकर जब उन्होंने बोला सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है, तो उनकी बातों का ऐसा जादू हुआ कि वाकई लोग उनकी बात मानने लग गए।
उड़ान की कल्याणी अब सर्फ वाली ललिता जी के नाम से भी मशहूर हो गईं। हालांकि हमारी अभिनय इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है कि खरे सोने की कदरी नहीं होती यहाँ। यही कविता के साथ भी हुआ। उड़ान के बाद वो अचानक से गुमनाम हो गईं। सालों बाद योर ऑनर सीरियल से वापसी की, मगर वक्त आगे निकल चुका था। उन्होंने अमृतसर में अपना ठिकाना बना लिया। सालों से गुमनामी की जिंदगी गुजार रही कविता की लोगों को याद तब आई जब उनकी मौत की खबर सामने आई। मौत की वजह पता चली तो लोग चौंक उठे। कविता चौधरी की कुछ साल पहले से तबीयत खराब होने लगी थी। पता नहीं था कि शरीर के अंदर क्या पनप रहा था। टेस्ट करवाए तो डॉक्टर हैरान। दूरदर्शन की अभिनेत्री खतरनाक कैंसर की चपेट में आ चुकी थी। इलाज शुरू हुआ, लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर कैंसर की बीमारी से लड़ाई जारी रही। सालों तक चली लंबी जंग के बाद कविता अंदर से इतनी कमजोर हो गई कि शरीर जवाब देने लग गया। बीमारी से ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर नीचे चला जाता। फरवरी में भी ऐसा ही हुआ, उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो होने लगा तो परिवार वालों ने उनको अमृतसर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुछ दिनों से वो भर्ती थी, लेकिन कैंसर पीड़ित अभिनेत्री की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अचानक 15 फरवरी को रात 8:30 बजे कविता का बीपी इतना लो हो गया कि उनके दिल ने जवाब दे दिया और उनको हार्ट अटैक पड़ गया। डॉक्टर ने उनको बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन 67 साल की अभिनेत्री की मौत हो गई। दोस्तों, आपको कविता चौधरी याद है या भूल गए? अगर वो आपको याद है तो उनका उड़ान सीरियल आपको कैसा लगता था कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि भी जरूर दें। दोस्तों, इस बॉलीवुड में ऐसी अनेक मौतें हुई हैं जो आज तक संदिग्ध हैं, यानी उन मौतों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। दिव्या भारती, जिया खान, सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी, इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी मौतें हुई हैं जो अब तक संदिग्ध हैं, या जिनका जो असली कारण था वो आज तक सामने नहीं आ पाया है। बॉलीवुड एक ऐसी माया नगरी बन चुका है जहाँ आए दिन कोई न कोई हत्या होती रहती है या उसे सुसाइड का नाम दे दिया जाता है, लेकिन उनकी वजह कभी सामने नहीं आ पाती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी संदिग्ध मौत के बारे में। ये मौत हुई थी श्रीदेवी की। श्रीदेवी की मौत हुई थी 24 फरवरी 2018 को। श्रीदेवी की मौत हुई थी 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में, लेकिन श्रीदेवी उससे 3 दिन पहले से ही दुबई में रुकी हुई थी। दरअसल श्रीदेवी, बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी तीनों एक साथ दुबई गए हुए थे। दुबई में श्रीदेवी के भांजे मोहित मारवा की शादी थी। 21 फरवरी की रात श्रीदेवी और बोनी कपूर ने शादी अटेंड की। 22 फरवरी की सुबह बोनी कपूर और उसकी छोटी बेटी श्रीदेवी को अकेला छोड़कर इंडिया वापस आ जाते हैं। इस पूरी घटना में बोनी कपूर ये बात साबित नहीं कर पाए कि वो श्रीदेवी को दुबई में अकेला क्यों छोड़कर आए थे। ऐसा क्या काम था कि श्रीदेवी को दुबई में अकेला रहना पड़ा, जबकि श्रीदेवी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं था। इसके बाद वो 23 और 24 फरवरी को दुबई के होटल के कमरे में अकेली रहती हैं। कहा जाता है कि इन 2 दिनों में श्रीदेवी कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आ पाई। 24 फरवरी को शाम को श्रीदेवी और बोनी कपूर के फोन पर बात होती है, जिसमें बोनी कपूर एक मीटिंग का नाम लेकर उसे बाद में बात करने को कहता है। बोनी कपूर के अनुसार बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहता था, वो दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। शाम को 6-7 बजे बोनी दुबई श्रीदेवी के पास पहुंच जाता है। वहां इन दोनों की थोड़ी देर बात होती है और फिर श्रीदेवी बाथरूम में नहाने चली जाती हैं ताकि दोनों साथ में डिनर के लिए जा सकें। 15 मिनट तक जब श्रीदेवी बाहर नहीं आती हैं तो बोनी उसे आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बोनी उठकर बाथरूम में जाता है तो वहाँ पूरे बाथरूम में पानी बह रहा होता है। बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं था। बोनी कपूर अंदर जाकर देखता है तो बाथटब पूरा पानी से भरा हुआ था और उसमें से पानी बाहर निकल रहा था, और उसी पानी में श्रीदेवी बेहोश पड़ी हुई।